तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रू मैकइंटायर एंड ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस टी बार एंड मैच के बारे में। तो गाइस पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं, तो गाइस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। और गाइस सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर कर देना। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। मेरा नाम है आसर और आप देख रहे हैं रसल सेंटर। चलो फ्रेंड फिर एक बार वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो गाइस आज की रॉ की स्टार्टिंग में एक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार मैच हमको देखने को मिल गया, टी बार एंड मैच वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ड्रू मैकइंटायर के बीच एक टैग टीम मैच। सही गाइस आपने पिछले वीक की रॉ पर देखा होगा जहां पर कि गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन एंड ड्रू मैकइंटायर वर्सेस टी बार एंड मैच का एक और मैच होता है, जहां पर कि गाइस टी बार एंड मैच का गाइस वहां पर अनमास्क हो जाता है, यानी कि उनका मास्क उतार दिया जाता है ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन के द्वारा। तो गाइस WWE एक रीमैच फिर से आज की रॉ पर करवाती है इनका, और गाइस ये WWE ने पहले से ही ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि ये मैच हमको देखने को मिलने वाला है आज की रॉ पर। और गाइस वैसा ही हमको देखने को मिला आज की रॉ पर, जहां पर कि गाइस टी बार एंड मैच ने बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से ब्रॉन स्ट्रोमन ड्रू मैकइंटायर को इस मैच में टक्कर दी। और गाइस टक्कर ही नहीं दी, साथ ही साथ इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन और ड्रू मैकइंटायर को हराया भी। कैसा हराया गाइस, ये सबसे पहले गाइस बात आती है कि ब्रॉन स्ट्रोमन और ड्रू मैकइंटायर की आज की इस मैच से स्टार्टिंग से पहले ही गाइस एक देखने को मिलती है हल्की फुल्की ब्रॉल, जहाँ पर कि गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन और ड्रू मैकइंटायर एक दूसरे को गाइस हल्का सा पुश करते हुए दिखाई देते हैं। और गाइस यहाँ पर इस तरह से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों सुपरस्टार के बीच भी गाइस एक दुश्मनी सी हो रही, और फिर गाइस इस तरह से ये सीन हमको मैच में भी देखने को मिल जाता है, जिस वजह से गाइस रेट्रीब्यूशन के दोनों ही मेंबर काउंट आउट करवा कर हरा देते हैं गाइस ब्रॉन स्ट्रोमन और ड्रू मैकइंटायर को, और इस तरह से गाइस जीत जाते हैं इस मैच में। तो गाइस ये सीन देखने को मिला आज के हमको रॉ पर। ये गाइस बहुत ही जैसे शानदार मैच था, गाइस आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना भाई। गाइस मुझे तो बहुत ही शानदार मैच लगा, और WWE एक पुश देना चाहती है रेट्रीब्यूशन के दोनों मेंबर्स को, और गाइस ये फ्यूचर में एक बहुत बड़ी टैग टीम भी बन सकती है। बाकी गाइस आज की रॉ से हमको ये देखने को मिला कि हो सकता है कि ब्रॉन स्ट्रोमन भी मैच में चले जाएं चैंपियनशिप वाले रसलमेनिया बैकलैश में, तो भाई कुछ भी हो सकता है। बाकी अब आगे देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद था वीडियो को लाइक करना, चलो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।